हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनामिका किचन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी झटपट बनने वाली अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देखकर पहचान ही गए होंगे, ये है आंवले का अचार जिसको मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनाया है। और आप सब जानते ही हैं कि आंवला कितना हेल्दी होता है। अभी आंवले का सीज़न चल रहा है, बाज़ार में आंवला बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। तो मैंने 250 ग्राम्स ऑफ आंवला ले लिया और मिर्ची 2-4 ले लिया और थोड़ा एक अदरक का टुकड़ा को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इनको अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैं इनको स्टीम करूँगी। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कुकर में बॉईल करते हैं फिर उसका पानी फेंक देते हैं, तो मैं इसको सिर्फ स्टीम करूँगी, भाप में पकाऊँगी। तो चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 चम्मच मैंने मेथी ले लिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा ले लिया है और ये है सौंफ। सौंफ अचार में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, इसीलिए सौंफ मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है। ये 1 चम्मच पीला सरसों है और यहाँ पर मेरे पास धनिया साबुत नहीं था तो मैंने 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर ले लिया जो मैंने घर में ही पीसा है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और थोड़ा सा तीखापन के लिए। ये है काला नमक और ये है हींग। हींग से अचार में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए इन मसालों को अभी हम भून लेते हैं और इनको बिना तेल के हमको ड्राई रोस्ट करना है और दरदरा ही हमको पीसना है। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया था, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इनको भुनना इसलिए ज़रूरी होता है ना, तो इनमें जो भी नमी होता है वो नमी निकल जाता है, जो मॉइस्चर होता है ना उससे निकल जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर जो एक अपना खुद का इनका जो एक ऑयल होता है ना वो भी इसमें रिलीज़ होता है और एक फ्रैग्रेंस भी आता है, खुशबू अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अपने आंवले भी चेक कर रही थी कि हुए कि नहीं, नहीं हुए थे, वापस मैंने ढक कर रख दिया। और जब मसाले चटकने लगे ना उतना ही हमको भुनना है, जलाना नहीं है, जस्ट ड्राई रोस्ट करना है। जैसे चटकने लगे गैस का फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। चाहे तो आप सिलबट्टे में कर सकते हैं, खलबत्ता में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि आंवला कम था तो मसाले भी हम कम ही लेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ मसाला ठंडा हो गया था तो मैं इनको दरदरा पीस लूँगी। तो ये हमारा मसाला कूट कर तैयार हो गया। तो वहाँ पर दूसरी तरफ जो मैंने आंवले को स्टीम होने छोड़ दिया था, तो बाकी का काम हमारा इस तरफ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मेरे आंवले भी देख सकते हैं, एकदम ही जब पक जाते हैं ना अच्छे से तो ये पूरा अच्छे से सॉफ्ट होकर अपने आप ये खुल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी इनको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ठंडा होने के बाद, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था तो मैंने इनको पीसेस में काट लिया। छोटे छोटे पीस हम कर लेंगे। ऑलरेडी उसके ऊपर एक धारी धारी सा रहता ही है, लाइन लाइन सा, उसी के ऊपर आप सुंदर सुंदर से चाकू की सहायता से अलग कर लीजिए या हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। तो उसी पैन में मैंने, जिसमें मसाला को मैंने फ्राई किया था ना, सूखा ड्राई रोस्ट किया था, उसी पैन में मैं 2 चम्मच सरसों का तेल लूँगी। देखिए तेल आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मैं आज आपको कम तेल में बनाकर दिखाऊंगी। और जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना तो इसमें मैं थोड़ा सा पंचफूरन डाल दूँगी और जो आंवले हमने निकाल के रखे थे ना गुठलियों से अलग करके रखे थे उनको अब मैं इसमें डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से भुनूंगी। और ये 4-5 मिर्ची और यहाँ पर अदरक। मिर्ची मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम लोग कम तीखा खाते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। और कश्मीरी मिर्च पाउडर के जगह में आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो अभी इनको मैं थोड़ा सा इसीलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि जिनमें जो भी नमी है ना, क्योंकि इसको मैंने स्टीम किया था तो वो नमी निकल जाएगी। तो अब मसाले जो हमने ने धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर, काला नमक, हींग रखा था कटोरी में अलग से, तो उसको मैं डाल रही हूँ। थोड़ा ही डाला, एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको कम मसाले चाहिए तो आप कम मसाले में बनाइए इसको, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पूरा डाल दीजिए। तो मसाले कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़रा सा मैंने हल्दी भी डाल दिया इसमें और तेल भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें तेल थोड़ा कम लग रहा है तो आप बाद में भी जो तेल है उसको गर्म करके ठंडा करके डाल सकते हैं। तो बाकी के जो मसाले थे वो भी मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। और इसको अच्छे से फिर मैं मिक्स कर लूँगी। नमक इसी वक्त आप चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो थोड़ा डाल सकते हैं आप। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर डाल दूँगी। विनेगर से क्या होगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा, एक तो इसको बाइंडिंग मिल जाएगा क्योंकि मैंने तेल कम यूज़ किया है, और तीसरा है ये एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा क्योंकि इसको हमने भाप में पकाया था ना और हमने धूप में तो लगाया नहीं है इसको, तो इसीलिए विनेगर एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इसको ख़राब नहीं करेगा अचार को। और हालांकि आप कम ही अचार बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए, थोड़ा बनाइए ख़त्म कीजिए फिर नया से बनाइए, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, कलर भी उसका रहता है, रिटेन बहुत दिन तक वैसा ही कलर रहता है।
थोड़ा अगर पुराना हो जाता है ना आंवले का अचार, आप देखिएगा कि काला हो जाता है वो, तो इसीलिए आप कम कम ही बनाइए आंवला अचार। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको ठंडा करके एक शीशे की बॉटल में अच्छे से जो धोकर सुखा कर रख लिया उसमें मैं स्टोर करके रख दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये हेल्दी आंवले का अचार अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो लास्ट में मैंने थोड़ा चख के देखा, हल्का सा नमक कम लग रहा था और मैंने इसमें वाइट सॉल्ट तो डाला ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने इस वक्त थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल दिया और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो आप इसी वक्त चाहे तो में ऊपर से सरसों तेल को गरम करके ठंडा करके ऊपर से आप तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। तो देखिए कितना टेस्टी आंवले का और हेल्दी अचार बनकर रेडी है। रोज़ आंवला खाइए, और अभी चेंजिंग सीजन है, आंवला खाना बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसी तरह से अपने घर में लंच या ब्रेकफास्ट में इसको आप खा सकते हैं चावल या रोटी के साथ। तो आप भी इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, और जो आपका फीडबैक है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।